students now we are going to discuss histogram histogram we actually we make for the ordinal variables or interval variables and in some cases we make this graph for the continuous variables as well a histogram we can say that is the advanced form of the bar graph a histogram is used to summarize discrete or continuous data it provides a visual interpretation of numerical data बाय शोइंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट फॉल विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिस्टोग्राम हम जो है वो इंटरवल वेरिएबल के लिए भी यूज़ करते हैं तो हमें जो है वो इंटरवल्स के में हमें वैल्यूज़ की रेंज पता चल जाती है कि क्या और कंटिन्यूस में भी हम इसको यूज़ करते हैं विद नॉर्मल काव तो वो आगे जाके हम इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे ये वर्टिकल बायोग्राफ के तरह का ही है मगर इसमें बार्स के बीच में गैप्स नहीं होते वो गैप्स इसलिए नहीं होते क्योंकि हम इसमें जो आपने डेटा पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं उसमें कोई डिस्टेंस अज्यूम नहीं कर रहे बार ग्राफ क्यों क्योंकि ऑर्डिनल होता है तो उसमें हम जो अपने डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं उसमें डिस्टेंस ज्यूम करते हैं अगर मैं आपके सामने ये दिखाऊँ आपको बार ग्राफ जो है ये एक सिंपल ग्राफ है जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल पे कंप्यूट किया गया है जी के लिए तो इसमें आप देखें कि डेटा जो है वो किसी ऑर्डिनल लेवल पे नहीं है ना ही इंटरवल लेवल पे है बल्कि कंटिन्यूस लेवल पे है तो हिस्टोग्राम में ये हमने फ्रीक्वेंसी के लिए आ, ये हिस्टोग्राम बनाया और 1.5 से 4.50 तक ये हिस्टोग्राम आ, की वैल्यूज़ हैं हमारे ऊपर जी जो है जीपीए की वैल्यूज़ इसमें मीन हमें ये दे रहा है 3.24 है स्टैंडर्डेविशन पॉइंट फोर जीरो सेवन है टोटल नंबर है ट्वेल्व फोटी फाइव और ईच वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है वो ट्री और थ्री पॉइंट फाइव जीरो के दरमियान आ रही है ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है। तो यहीं पर हमने जो है हिस्टोग्राम पर नॉर्मल काफ भी फिट इन कर सकते हैं तो इसमें बता रहा है कि डेटा जो है वो थोड़ा सा जो आप क्या नेगेटिव साइड पे है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डेटा जो है उनके मुताबिक और जो है हिस्टोग्राम जो है आप अगर बनाएं बाईवेरिएट पर तो वो कुछ इस तरह का बनता है यानी हम इसमें जो है जेंडर की कैटेगरी को कंपैरिजन करना चाह रहे हैं एज की बेसिस पे तो मेल और फीमेल के लिए अलदादा वो आपको एक ही ग्राफ में कंपैरिजन करके दिखा देगा यहाँ पर वही डेटा है और उसमें जो है नॉर्मल कर्व भी फिट इन हुई है तो ये नज़र आ रहा है आपको कि बहुत जो कर्व्स हैं वो थोड़ी सी वायलेटेड है नॉर्मल शेप कर्व से जिसको हम कहते हैं बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर उस डेटा जो है पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा क्यूड है फीमेल में